का जब गठन हुआ था यूपी की सरकार में, तो 14वें वित्त आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा देना कठिन काम। लेकिन अभी एनडीए की सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया है, तो 15वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रखने में कोई आपत्ति नहीं। अगर 15वां वित्त आयोग कोई निर्णय में परिवर्तन करता है तो राज्यों को लाभ हो सकता है। तो इसलिए 15वें वित्त आयोग के सामने बिहार के का डिमांड करना, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करना, उसको अपनी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह करना, ये कहीं से भी गलत नहीं है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई भी दिखाई नहीं। हम सब गठबंधन के लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। 7 तारीख को एनडीए गठबंधन के सारे विधायक, सारे सांसद, सारे मंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार सब एक साथ इकट्ठे होंगे और एनडीए गठबंधन की 4 साल की सरकार का जश्न मनाएंगे। एक नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए सब इकट्ठा हो रहा है, कौन डरा हुआ इसका अंदाजा आप कर लीजिए। ये डरे हुए लोग, थके हुए लोग, हारे हुए लोग ये क्या लड़ाई कर लड़ेंगे? अरे भाई, सबको शासन बनाने का मौका मिला है, चाहे वो आरजेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस ने 50 साल शासन किया देश में, आरजेडी ने बिहार में 15 साल शासन किया है। इनके शासन काल में क्या हुआ देश का, यह देश की जनता जानती है। और 4 साल के छोटे से कालखंड में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम करके दिखाया है, इनको तो मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलने वाली। कौन से गठबंधन की बात करते हैं? ये गठबंधन नहीं है, डर बंधन है। और डर बंधनों से भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो डरे हुए लोग हैं उनका वो गठबंधन है।